सर मुझे नहीं पता था, मैं आपसे बता रहा हूँ बार बार, मुझे नहीं पता था कि मैं पद पर नहीं हूँ। छीना मतलब हमने बता सकता सर, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। अच्छा, अभी हमारे विधायक की गलती है और किसी गलती है। नाम क्या विधायक जी का? श्री महेंद्र गोयल। सर मुझे नहीं पता था, मैं आपसे बता रहा हूँ बार बार, मुझे नहीं पता था कि मैं पद पर नहीं हूँ। छीना मतलब हमने बता सकता सर, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। अभी हमारे विधायक की गलती है और किसी गलती है। नाम क्या विधायक जी का? श्री महेंद्र गोयल। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। गुप्ता जी ये बताओ, अभी विजय बिहार के अंदर रिठाला विधानसभा में आप किस पार्टी से बिलोंग करते हो? आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं जी। ठीक है, आपके विधायक जी कौन है? श्री महेंद्र गोयल। मुख्यमंत्री जी कौन है? केजरीवाल जी। प्रधानमंत्री कौन है देश के? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। आप किस पद पे हो विजय बिहार में? मैं तो सर मंडल प्रभारी के पद पे था जी। मंडल प्रभारी के पद पर थे जी? हाँ। गलत काम क्या किया जो पद छिन गया? सर इसको मैं नहीं बता सकता, आपके बताने के अनुसार मैंने बताया कि पद नहीं है अब कोई। मतलब आपको ये नहीं पता था कि आपके पास पद है या नहीं? हाँ जी सर, मुझे नहीं पता था इस बात का। आज तारीख कितनी है? आज है 16। आपको बताओ 16 तारीख है, लगभग लगभग मेरे हिसाब से अगर अर्जेंट डेट नहीं बताऊंगा तो कम से कम 15 दिन और नहीं तो 20 दिन से ऊपर फरमान जारी हुआ था आपके विधायक, लोकप्रिय विधायक रिठाला विधानसभा के मोहिंदर गोयल जी के लेटर हेड पे फरमान जारी हुआ था कि तत्काल जो है जितने भी संगठन है वो बर्खास्त किए जाते हैं। गलत तो नहीं कह रहा ना कालीचरण जी? मैं नहीं, ठीक कर रहे, सही कह रहा ना? और इनको आपको ये नहीं पता, बताओ कि आप उस पद पर नहीं रहे? हाँ सर मुझे नहीं पता इसके बारे। सो रहे थे? हाँ सोने, बीमार था मैं। बीमार था मैं, सोने का। तो ये तो पता लग गया होगा कि अब पद पे नहीं हो, पूरी विधानसभा में ये बात फैली हुई है। सर मुझे नहीं पता था, मैं आपसे बता रहा हूँ बार बार, मुझे नहीं पता था कि मैं पद पर नहीं हूँ। अच्छा, पद पे जब आप थे कितने समय? चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये कह रहे हैं मैं बीमार था, मेरा पद कब छीना, क्यों छीना, ये पता है क्यों छीना? नहीं सर ये नहीं पता है। अच्छा मिला क्यों था? मिला हमारे काम के ऊपर मिला था। छीना क्यों है? अब छीना मतलब हमने बता सकता सर, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। अच्छा, आपको फोन करके बताया गया कि भाई आपका पद छीना जा रहा है या आपका पद बर्खास्त किया जा रहा है, अब आपको इस पद से हटाया जा रहा है, आपको बताया? नहीं बताया जी। तो ये गलत है सही है? गलत है। किसने करी है गलती? अभी हमारे विधायक की गलती है और किसी गलती है। नाम क्या है विधायक जी का? श्री महेंद्र गोयल। ये है विधायक महेंद्र गोयल जी के। अच्छा दूसरी चीज अब ये बताओ, मैं गलत सवाल तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, मतलब आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। पता लगे कभी कहो कि दिनेश आया था कड़वे सवाल कर रहा था और मेरे से। हाँ जी मेरी बात, मैं सच कहता हूँ और सच के अलावा कुछ नहीं कहता हूँ, ठीक है जी, भले हमारा बाप ही क्यों ना हो। ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ, अब जब आपने कोई ना कोई तो यहाँ पर जितने टाइम आप यहाँ पर कितने टाइम आप यहाँ पर मंडल प्रभारी के पद पर? मैं सर अब ये जब इलेक्शन हुआ था ये दो साल हो गया, डेढ़ साल। हाँ जी, मतलब डेढ़ साल से आप मंडल प्रभारी हो यहाँ पर? जी जी। डेढ़ साल में आपने क्षेत्र में मंडल प्रभारी के पद पे रहते हुए क्या काम करवाया? काम सर हमें करवाने की वो नहीं दी गई थी। क्या करवाया फिर आपने? अगर मतलब आपको कोई अधिकार नहीं दिया था तो आपके अधिकार क्या थे? मंडल प्रभारी के नाम के अधिकार क्या थे आपके पास? अधिकार हमारे ये थे सर कि अपनी गलियों की देखरेख करो। कैसी? टूटी हुई गलियों की देखरेख करना? मतलब हाँ टूटी बनी तो नहीं थी तब? नहीं नहीं, तो मतलब टूटी गलियों की देखरेख करना। जी हाँ जी हाँ जी। संगठन बना के रखो अपना, संगठन तो टूट गया आपका, संगठन तो टूट चुका आपका, आदमियों से आदमियों को जोड़ के रखो। अच्छा यही था जी। और अच्छा मंडल प्रभारी थे तो आपके पास कोई कार्ड है आपका मंडल प्रभारी का? हाँ है मेरे पास, दिखाओ एक बार दिखाओ। ये वाकई विधायक जी गलत है कि किसी भी, देखो किसी भी व्यक्ति को अगर उसके पद से हटाते हो तो कम से कम कोई रीजन तो हो, वैलिड रीजन तो होना चाहिए कि भाई इसलिए हटाया जा रहा है। दिखाओ, ये तो ब्लॉक प्रमुख का है जी, ये ब्लॉक प्रमुख का पहले मुझे बनाया गया था। अच्छा वो दिखाओ, आप जो मंडल प्रभारी हो ना उसका। दीपक कहाँ, वो लाइयो लाइ बेटा, मंडल प्रभारी का दिखाओ, ले बेटा दिखा दे। कालीचरण जी बताओ, मैं जो बातें इनसे कर रहा हूँ गलत तो सवाल नहीं कर रहा ना बिल्कुल भी? देखो जी ये इनको पता होगा, मैंने नहीं सुना। नहीं मैं जो सवाल इनसे कर रहा हूँ वो सवाल गलत, वो ये बता सकते हैं? मैं कैसे बता सकता हूँ, मेरे से सवाल आप बताओ जी। सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ इनसे गलत तो नहीं पूछ रहा? सही पूछा। आप बताओ, सही पूछा इनसे? आप बताओ, ठीक पूछा, सही जवाब पूछ रहे हैं। ठीक है, और मैं वाकई देखो इनसे भी पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल गलत तो नहीं पूछ रहा? नहीं जी गलत नहीं पूछ रहे हमसे आप। क्यों? वाकई हमारा ये अधिकार है, क्षेत्र की जनता का ये अधिकार है कि अगर क्षेत्र की जनता के टैक्स के पैसों से, उसमें टैक्स का पैसा इनका भी लगा है, अगर ये बोर्ड बना है और ये मंडल प्रभारी हैं तो इनका काम क्या है, इनका अधिकार क्या है? इनका अधिकार इन्होंने बताया कि क्षेत्र में गलियों की देखरेख करना, उन गलियों की देखरेख करना जिनका निर्माण हुआ नहीं था, वो टूटी हुई थी उस समय तक। जी सर सच कह रहा हूँ? बिल्कुल जी। अब देखो कितनी ईमानदारी पूर्वक ये बंदा जवाब दे रहे हैं, अभी जवाब देने कल कोई रोएंगे।
अभी ईमानदारी पूर्वक जवाब दे रहे मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन कल को आपके ऊपर सारे के सारे ही चढ़ जाएंगे। आपने दिनेश गर्ग जैन को इंटरव्यू क्यों दिया और ऐसे जवाब क्यों दिए? ऐसा है जी, हमें इसका कोई डर नहीं है। पेड़ पे बैठे परिंदे को गिरने का भय नहीं, उसे विश्वास अपने पंखों पे है। बहुत बढ़िया, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। कितने वाकई दिल खुश हो जाता है जब कोई ऐसा ईमानदारी पूर्वक है। वो कह रहे हैं यहीं पे होगा आपका लेटर। सर है हमारे पास, मुझे लेटर मिला हुआ है। अच्छा, हकीकत सच्चाई बताऊंगा, मुझे लेटर मिला। भाई कौन है? ये मेरा पोता है। एक कुर्सी आप यहां चलो। क्या नाम है आपका? दीपक गुप्ता। कितने पढ़े हो? 9th तक पढ़ो। ठीक है दीपक जी, ये बताओ दीपक जी, मैं नुकसान करवा रहा हूँ क्या आपका? नहीं जी, मैं नुकसान का होगा। दीपक जी ये बताओ, मैं जो आपके दादाजी हैं आपके, है ना, दादाजी से जो सवाल कर रहा था, गलत तो नहीं कर रहा था? ठीक था सर। ठीक है, आपके दादाजी अब किस पद पे हैं? अब का तो सर मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि सर दादा एडमिट थे तो सर मैं भाग दौड़ में लगा हुआ था। तो सर क्या बात हो गई थी दादाजी को? हर्निया का ऑपरेशन था। अच्छा ठीक है, अब कैसे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है। आपके विधायक जी ने ना यहाँ की जितनी भी संगठन के अंदर जितने भी पदाधिकारी थे वो भंग कर दिए, मतलब जितने भी पदाधिकारी थे किसी भी पद पे थे, वो संगठन के मंत्री थे, संतरी थे, जो भी पद थे, सब के सब भंग कर दिए रात को। और आपके दादाजी को अभी इसके बारे में नहीं पता है? नहीं पता है। तो क्या भंग जो करे वो ठीक करे या गलत करे बिना बताए इनको? अब सर ये तो गलत है, पर सर अब मैसेज भी आया होगा तो दादा व्हाट्सएप भी नहीं यूज करते, जो कि दादा को पता चले। क्या ऐसे बिना किसी कारण के भंग करना चाहिए? नहीं, गलत है। गलत। आपके पास कोई कारण बताया आपको कि विधानसभा में कि भाई आपको इसलिए भंग कर रहे हैं? नहीं सर, मैंने बताया ना मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं हॉस्पिटल में था, कब हुआ है कैसे हुआ मुझे कुछ कोई जानकारी नहीं। जी ऑपरेशन कराया किसी ने? अच्छा, किसने कराया बता दो। महेंद्र गोयल ने कराया जी। एक बार धन्यवाद दे दो महेंद्र गोयल जी को। हाँ जी महेंद्र, धन्यवाद महेंद्र गोयल जी ने मुझे बहुत बड़ा मेरा काम किया, हारने का ऑपरेशन कराया, मेरा सांस का इलाज करवाया, मेरे दिमाग का सब कुछ करवाया। तो हम महेंद्र गोयल जी अपना हम भगवान मानते हैं जी। मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगा विधायक महेंद्र गोयल जी का इस चीज के ऊपर कि आपने इनका जो इलाज होना चाहिए था कि आज एक परेशान व्यक्ति जो था उसका समुचित इलाज जो होना चाहिए था वो करवाया है, इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन उम्मीद ये भी करूंगा कि जो विजय बिहार की क्षेत्र के अंदर इस समय की नरक जो हालात बनी है उसको भी स्वर्ग बनाने में और बहुत जल्दी बनाने में आपका विशेष और पूरा योगदान रहेगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, विचार अच्छे लगे हों तो कमेंट में राय जरूर देना। जय हिंद जय भारत।